सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में कुछ इस प्रकार की इंटरेस्टिंग फोटो एडिटिंग करना सीखेंगे, वो भी स्नैपसीड ऐप की मदद से। अगर आप भी ऐसी फोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वह चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें व बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसे ही फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। बिना समय को वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सर्वप्रथम अपने गैलरी से सिंपल से ओरिजिनल पिक को ओपन कर लेना है। आप देख सकते हो दोस्तों कुछ इस प्रकार से, ये है अपना ओरिजिनल सिंपल सा पिक, जिसे अपन आज की इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से फोटो एडिटिंग करके कुछ इस प्रकार से बैकग्राउंड चेंज प्लस फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग करने वाले हैं HD क्वालिटी में। आप देख सकते हो दोस्तों कुछ इस प्रकार से HD क्वालिटी में फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। अगर आप भी ऐसी फोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो अपने सिंपल से ओरिजिनल पिक को दोस्तों आपको यहाँ से शेयर करके ओपन कर लेना है स्नैपसीड ऐप के अंदर। स्नैपसीड ऐप दोस्तों प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहाँ से जाके आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। फिर दोस्तों आपके सामने स्नैपसीड ऐप के अंदर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर नजर आएगा। सिंपली से दोस्तों आपको राइट साइड से सेकंड नंबर ऑप्शन पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के दोस्तों यहां पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे। सिंपली से दोस्तों आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन ट्यून इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से यहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको कंट्रास्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से डिक्रीज कर लेना है। फिर दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको सैचुरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से डिक्रीज कर लेना है। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको अंबाइंस का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे भी दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से डिक्रीज कर लेना है। फिर दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको हाइलाइट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है। फिर दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको शेडो का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको राइट साइड से ऊपर की तरफ थर्ड नंबर ऑप्शन एडिट स्टैक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको व्यू एडिट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ट्यून इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ब्रश वाला आइकन को सेलेक्ट कर देना है। फिर दोस्तों आपको नीचे की तरफ से ट्यून इमेज के अमाउंट को कुछ इस प्रकार से 100 रख लेना है। फिर दोस्तों आपको अपने फोटो कुछ इस प्रकार से जूम करना है तथा कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाते हुए अपने फेस एंड स्किन को दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाते हुए गोरा कर लेना है। चलिए दोस्तों मैं कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाते हुए अपने फेस एंड स्किन को गोरा कर लेता हूँ। आप भी कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाते हुए अपने फेस एंड स्किन को गोरा कर लीजिए। फिर दोस्तों मैं आपको आगे का ट्यूटोरियल बताता हूँ। कुछ इस प्रकार से ब्रश चला लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो आपका फेस एंड स्किन कुछ इस प्रकार से गोरा हो चुका है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको वापस से पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको वापस से फर्स्ट नंबर ऑप्शन ट्यून इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, नीचे एक तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको थर्ड नंबर ऑप्शन सेचुरेशन का दोस्तों आपको मिल जाएगा, जिससे दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से डिक्रीज करते हुए 100 रख लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक तरफ राइट ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको राइट साइड से ऊपर की तरफ थर्ड नंबर ऑप्शन एडिट स्टैक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको व्यू एडिट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ट्यून इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ब्रश वाला आइकन को सेलेक्ट कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ से सेकंड नंबर ऑप्शन इनवाइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको नीचे की तरफ से ट्यून इमेज के अमाउंट कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको 0 रख लेना है तथा आपके फोटो कुछ इस प्रकार से जूम करना है तथा दोस्तों आपको ब्रश चलाते हुए जो ट्यून इमेज की वजह से जो ब्लैकनेस आई है, इसे दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाते हो अपने फेस एंड स्किन से दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से क्लीन कर देना है। चलिए दोस्तों मैं कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाते हो अपने फेस एंड स्किन से दोस्तों इस ब्लैकनेस को क्लियर कर लेता हूँ। आप भी कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाते हो अपने फेस एंड स्किन से इस ब्लैकनेस को क्लियर कर लीजिए। फिर दोस्तों मैं आपको आगे का ट्यूटोरियल बताता हूँ। कुछ इस प्रकार से ब्रश चला लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो अपने फेस एंड स्किन से कुछ इस प्रकार से ब्लैकनेस क्लीन हो चुका है। फिर दोस्तों आपको नीचे की तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आपको वापस से पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको अपने कपड़ों का कलर चेंज करने के लिए दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाए डबल एक्सपोजर का, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको नीचे की तरफ से फर्स्ट नंबर ऑप्शन गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक
रेड पैनल मिल जाएगा, उसे दोस्त आपको कुछ इस प्रकार से ऐड कर लेना है। फिर दोस्त आपको नीचे एक तरफ से दोस्त आपको मिडल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा ओवरले का, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्त आपको नीचे एक तरफ से राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्त आपको राइट साइड से ऊपर की तरफ थर्ड नंबर ऑप्शन एडिट स्टैक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्त आपको व्यू एडिट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। डबल एक्सपोजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ब्रश वाला आइकन को सेलेक्ट कर देना है। फिर दोस्त आपको नीचे एक तरफ से डबल एक्सपोजर का अमाउंट कुछ इस प्रकार से 100 रख लेना है। तो दोस्त आपको अपने कपड़ों का कलर चेंज करने के लिए दोस्त आप कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाना है, जिससे आप देख सकते हो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका कपड़ों का कलर चेंज होने लगेगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको ब्रश चलाते हुए अपने कपड़ों का कलर चेंज कर लेना है। मैं भी कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाते हुए अपने कपड़ों का कलर चेंज कर लेता हूं। फिर दोस्तों मैं आपको आगे का ट्यूटोरियल बताता हूं। कुछ इस प्रकार से ब्रश चला लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से अपने कपड़ों का कलर चेंज हो चुका है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको अब अपने बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए दोस्तों आपको वापस से पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ से डबल एक्सपोजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ से फर्स्ट नंबर ऑप्शन गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा, उसे दोस्तों आपको जाके डाउनलोड करके कुछ इस प्रकार से ऐड कर लेना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ से थर्ड नंबर ऑप्शन ऑपेसिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसकी ऑपेसिटी को फुल्ली इंक्रीज कर लेना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको राइट साइड से ऊपर की तरफ थर्ड नंबर ऑप्शन एडिट स्टैक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। व्यू एडिट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। डबल एक्सपोजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ब्रश वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ से डबल एक्सपोजर का अमाउंट कुछ इस प्रकार से 100 रख लेना है। तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से अपने फोटो को जूम करना है। तो ब्रश चलाते हुए जो दोस्तों आपको पहले वाला बैकग्राउंड है उस पर दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाते हुए अपने बैकग्राउंड को दोस्तों कुछ इस प्रकार से चेंज कर लेना है। जैसे जैसे आप दोस्तों ब्रश चलाओगे वैसे वैसे आपका दोस्तों बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से चेंज होने लगेगा। चलिए दोस्तों मैं कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाते हुए अपने बैकग्राउंड को चेंज कर लेता हूं। आप भी कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाते हुए अपने बैकग्राउंड को चेंज कर लीजिए। फिर दोस्तों मैं आपको आगे का ट्यूटोरियल बताता हूं। इस प्रकार से ब्रश चला लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से अपना बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना काम कर लेने के बाद दोस्तों आपको वापस से पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको अपने फेस को स्मूथ करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पोर्ट्रेट का, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ से बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, सिंपली से दोस्तों आपको स्मूथ टू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको ऊपर की तरफ फेस स्पॉटलाइट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसे दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ स्किन स्मूथिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे भी दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक तरफ थर्ड नंबर ऑप्शन आई क्लियरिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे भी दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको वापस से ब्रश वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। ब्रश वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्रश का, सिंपली से दोस्तों आपको इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ से फोर्थ नंबर ऑप्शन सैचुरेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके अमाउंट को कुछ इस प्रकार से 10 रख लेना है। फिर दोस्तों आपको अपने लिप्स पर दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से कलर ब्राइट करने के लिए दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाना है, जिससे आप देख सकते हो आपका लिप्स पर कुछ इस प्रकार से कलर ब्राइट हो जाएगा। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से नीचे एक तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको वापस से पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको अपने फोटो पर पिंजन इफेक्ट दोस्तों आपको ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको डबल एक्सपोजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको नीचे की तरफ से फर्स्ट नंबर ऑप्शन गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको पिंजन PNG मिल जाएगा, उसे जाके दोस्तों आपको डाउनलोड करके ऐड कर लेना है।
कुछ इस प्रकार से ऐड कर लेने के बाद दोस्त आपको जहाँ पे भी इसे रखना है वहाँ पे दोस्त आप कुछ इस प्रकार से इसे अच्छे से दोस्त आपको एडजस्ट कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्त आपको नीचे एक तरफ से दोस्त आपको मिडल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेकंड नंबर ऑप्शन मिल जाएगा लाइट एन का, इसके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है जिससे आपके दोस्तों पिंजन PNG कुछ इस प्रकार से सेट हो जाएंगे। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो पहले अपना फोटो कुछ इस प्रकार से था, अब दोस्तों कुछ इस प्रकार से HD क्वालिटी में फेस स्मूथ प्लस बैकग्राउंड चेंज फोटो एडिटिंग हो चुका है। सो दोस्तों आज की फोटो एडिटिंग बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।